हाय दोस्तों, नमस्कार। मधु ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पिट्ठा बनाने। तो देखिए, हमने अर कच्चा चावल का आटा लिए हैं दोस्तों। तो 1 केजी से लगभग 1 केजी से थोड़ा कम आटा है। तो हमने कढ़ाई में गर्म पानी होने दे दिए हैं, इसको थोड़ा उबाल आने देंगे। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब आटा हम इस पानी में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके आटा इसमें हमें डाल देना है और डाल के चलाना है। तो देखिए, इसी तरह हमने सारे आटे को इसमें ट्रांसफ़र कर किए हैं और करके इसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे अच्छी तरह से। धीरे धीरे इसको चलाना है दोस्तों। तो देख सकते हैं हमने चला लिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो देखिए, हमने हाथ में लेके दिखा रहे हैं दोस्तों कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और थोड़ा इसे हम जैसे आटा सानते हैं रोटी के लिए, उसी तरह इसे भी हमें सान लेंगे। तो थोड़ा ठंडा होने देंगे दोस्तों, अभी बहुत गर्म है, नहीं सान सकते इसे। तो देखिए ठंडा हो गया है, अब इसे हम आटा की तरह गूंद लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों, आटा की तरह इसे अच्छी तरह से सान लिए, अच्छी तरह से सना चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ढक के रख देते हैं। तब तक चलते हैं हम इसका मसाला तैयार करने। तो देखिए, चिकना जिसे हम तीसी भी बोलते हैं, इसको हम धो के सूखने दिए थे, सुखा के अच्छी तरह से भून लिए हैं। भून के उसके लिए देखिए हमने गुड़ लिए हैं, और इधर हम थोड़ा खोवा का भी बनाएंगे। तो उसमें खोवा, गड़ी और चीनी भी ले लिए हैं, देख सकते हैं दो चीज़ का हमने पिट्ठा बनाएंगे, एक खोवा एक तीसी का। अब इसको हम तीसी जार में, ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह सारा इसमें हम डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए हो गया है, अब इसे हम गुड़ में डाल देंगे। और गुड़ में डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, गुड़ को, अगर गुड़ ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा दो चम्मच इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के लिए। और देखिए, इधर मेरा खोवा रखा है, इसमें गड़ी डाल देंगे। और गड़ी डाल के इसमें हम चीनी डालेंगे अपने अनुसार, जैसे मीठा खाते हैं। तो हमने डाल दिए, डाल के इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, देख सकते हैं मिक्स कर लिए। अब इसे हम साइड ढक के रख देंगे, चीनी बाद में डालेंगे। तो देखिए, अब हम आटा लिए हैं, अब इसका हम लोई तैयार करेंगे। तो इस तरह के रोटी की लोई की तरह इसे लोई बनाना है दोस्तों। और इसमें हम इसी तरह करना है, उसके बाद इसमें हम जो मसाला बनाए वो भरेंगे। तो देख सकते हैं हमने भर लिए हैं दोस्तों। अब इस तरह चारों तरफ से इसी तरह इसका मुंह को समेट देना है। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है दोस्तों। अब तब तक हमने पानी भी गर्म होने दे दिए, देख सकते हैं। तो चले, एक तो बना लिए हैं, अब हम सारा बना के आपको दिखाते हैं दोस्तों।
तो देखिए हमने सारा रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब मेरा पानी भी गर्म हो गया, उबाल आ गया है, देख सकते हैं। अब एक एक करके इसमें हम डाल देंगे। तो देखिए हमने इसमें एक एक करके सारे को डाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा डाल दिए हैं। अब चले हम खोवा वाला, खोवा भी तैयार कर ले। तो मेरा एक उबाल आ गया था, हो गया, सारे हम निकाल लिए हैं, देख सकते हैं। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि आटा पहले से ही पका हुआ रहता है। तो 2 से 3 उबाल आने के बाद इसे हम निकाल लेंगे और हम खोवा का भी बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों। तो देखिए बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हुआ है और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।